है, रिवाइज तो करने से ये नहीं हो कि आप सभी समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो आप सभी को सारे याद है या नहीं याद है तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको आई थिंक बहुत सारे वर्ड्स याद होंगे बट धीरे धीरे वो भूल भी रहे तो ऐसा है ना मुझे लगता है नॉर्मली के साथ तो आशीष गुड मॉर्निंग निकिता गुड मॉर्निंग आरती गुड मॉर्निंग सुप्रिया एंड आफ्रिन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जितने भी स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है इस क्लास में फिलहाल आप सभी को तो बताना ये चाहता हूं मैं कि आज की जो क्लास है ना हमारी वो बहुत ही अपने आप में शानदार क्लास होने वाली है क्योंकि मैं आज आप सभी का टेस्ट लेने वाला हूं। आप सभी सभी का का टेस्ट 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 लेने लेने वाला वाला ना में क्या होने वाला है एक्चुअली समझिएगा जब हम बात करते हैं टेस्ट की ना तो टेस्ट का मतलब होता है कि टेस्ट के अंदर हम लोग जो भी वर्ड्स पढ़ रखे हैं पहले से उसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे ठीक है पढ़ेंगे समझेंगे और आपसे मैं पूछने वाला हूँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं ध्यान देंगे सभी लोग आशीष क्लास गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चलिए जब हम बात करते तो हैं ड्रीम मतलब हमारा अगर सिर्फ हम लोग कहते हैं ना गोल बना लेते हैं कि हम लोग ये टारगेट अचीव करना अचीव करना अचीव करना कोई प्लानिंग नहीं करते तो फिर वो क्या है बस एक सपना रह जाता है कभी भी वो पूरा नहीं होता वो कभी भी सच नहीं हो सकता ठीक है तो हमने क्या किया एक काम किया आज की क्लास में हमने क्या किया थोड़ा सा आज एडिटोल को थोड़ा शांति दिया है है ना उसे थोड़ा रेस्ट दिया है एकदम तो, नॉर्मली क्या होता है अगर मॉर्निंग में एडिटोल छूट जाती है तो हम लोग इवनिंग तक तो उसको कर ही लेते हैं कवर कर लेते हैं गुड मॉर्निंग आरती तो बहुत वो परेशान थे आज की क्लास में क्या होगी नहीं होनी होने वाली क्या तो वही क्लास हुई थी कल भी हुई थी कल बस वो एप्लीकेशन में हुई थी और मैं कल से हमारी क्लास होगी द हिंदू वाली वो हमारी एप्लीकेशन पे होगी आप लोग वहां पर आईगा वहीं पे जुड़िएगा इसी टाइम में जुड़ेंगे हम लोग ठीक है तो क्लास को मैं देरी के शुरू करते हैं हम सभी लोग ठीक है अब इसमें चीजों को समझते हैं हमारे पास क्या है? एक वर्ड दिया है सभी को दिख रहा है एक वर्ड दिया है और यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए आप सभी को आप सभी को यहाँ पे आंसर करना होगा और देखिये लिखा है सेम वर्ड ढूंढना है आपको क्या ढूंढना है सेम वर्ड और उसके लिए मैं आपको टाइमर दूंगा टेन सेकेंड्स का okay. और देखिए टाइम खत्म हो गया इसका मतलब आप लोग यहाँ पे टाइम आंसर कर देना चाहिए था और आप सभी को इस सेकंड के अंदर आंसर करने यहां पे क्वेश्चन आ रहा है बपी का कि सर मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करें इंग्लिश सेक्शन को देखिए मेंस के लिए प्रिपेयर करना अगर हम लोग सोचे तो कोई ऐसा रॉकेट से तो है नहीं ना आप सभी लोग क्या कर रहे हैं पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं आपको मैं बस एक चीज देना चाहता हूँ देखिये आपके पास होना चाहिए दो चीजें समझिएगा पहला होना चाहिए सोर्स ठीक है सॉरी सोर्स आपके पास है या नहीं ठीक है सोर्स आपके पास है या नहीं इस बात का ध्यान रखना होगा अगर आपके पास सोर्स है मतलब कि आपके पास क्वेश्चन है नहीं, papers, ना क्या आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर है या नहीं तो सोर्स होना बहुत जरूरी है क्वेश्चन का इसका क्वेश्चन का कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन आप ले लो प्रीवियस ईयर का मतलब हो गया प्रीवियस ईयर मतलब जस्ट प्रीवियस ईयर दो हजार बाईस का दो तो हजार तेईस चल रहा है तो बाईस का पेपर आपके पास है या नहीं ठीक है ध्यान रखिएगा सभी लोग उसके अलावा सोर्स अगर आपके पास है समझिएगा सभी लोग अगर आपके पास सोर्स है किसी भी क्वेश्चन को लेकर किसी भी प्रीवियस पेपर को लेकर तो वहां पे सोर्स के साथ साथ और भी चीज होनी चाहिए टाइम मैनेजमेंट है ना टाइम मैनेजमेंट का कोई तरीका टाइम मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट का कोई तरीका आपके पास है या नहीं समझ रहे सभी लोग तो ये दो चीजें होने बहुत जरूरी है अगर सोर्स नहीं है आपके पास तो मुझसे मिलिए है नाइन पीएम पे मैं वहां पर करवा रहा हूँ बाईस के पेपर मैंने करवा रखे हैं आप जाकर एप्लीकेशन में ढूंढ सकते हो मिल सकता मिल जाएगा आपको फ्री में वो कोई पैसे भी नहीं चार्ज होंगे उसके लिए और टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको कोई टेस्ट देना पड़ेगा है ना टेस्ट का मतलब होता है मॉक टेस्ट देना पड़ेगा और तो एप्लीकेशन पे आप नॉर्मली किसी का भी ले सकते हो मॉक टेस्ट अन अकेडमी का भी आता है वो भी ले सकते हो आप लोग और एस सच हमारी क्रांति की तरफ से तो टीम क्रांति की तरफ से नहीं मिल रहा है बट आप लोग ऐसे सर्च कर सकते हो जिसमें टाइमर होता है टाइमर लगा होता है एप्लीकेशन में जाकर आप सर्च कर सकते हो मतलब सर्च करके एप्लीकेशन पर आप लोग खरीद सकते हो उससे टाइम मैनेजमेंट होगा ध्यान रखिए और जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं ना उन सभी के लिए मैं कह रहा हूं, मेंस के लिए कोई ऐसा रॉकेट नहीं होता है आपको बस क्वेश्चन सही होने चाहिए क्लास देख रहे हैं उसमें पीओ को मैंने टारगेट करके और एसबीपीओ को भी मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किए है आपको क्वेश्चन का लेवल दिखाई देगा सच में हाँ कैसा लेवल है जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको पता है यहाँ पे ठीक है तो डिस्टॉट का मतलब क्या होता है आज हम लोग बस रिवाइज करेंगे रिवाइज बस मैं आप सभी का टेस्ट लूंगा और बताऊंगा तो रिप्रेजेंट करना है क्या लगता है डिस्टॉर्ट ठीक है इसमें और भी ऐसा कोई वर्ड आपको नहीं दिख रहा होगा अगर कोई दिखे तो मुझे नेक्स्ट वर्ड में आता है सेबोटैच सेबोटैच हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी इसका एंटोनिम चाहिए हम सभी को क्या चाहिए एंटोनिम सब लोग देने के शुरू कर दीजिए फटाफट आंसर कटू वेरी गुड निकिता आपको फिर सी लग रहा है इसमें ओके okay. का मतलब क्या होता है देखिए इसका एंटोनिम चाहिए ध्यान इसका को चाहिए। आप उस मत कर क्योंकि हमें चाहिए। ठीक, इस को ध्यान का क्या होता है को बताएगा मुझे मीनिंग क्या होती है आशीष बताइए आप बराबर आपको पीछे नहीं रहना आपको आंसर करना है एंटोनिम का मतलब इसका हो सकता है उल्टा कह सकते हैं ना सेबोटैच का मतलब क्या होता है एक्चुअली में जो चीज ज होती है वो डैमेज करती है क्या ना हमारा जो पीस पास क्या है इसका डैमेज करना ठीक है डिस्ट्रॉय करना है तोड़फोड़ कर देना एकदम तो. तो क्या होगा उल्टा क्या होगा क्या हो जाएगा क्रिएट करना एंटोनी क्या हो जाएगा क्रिएट करना वेरी गुड आफरीन क्या बात है आपने मोर्चा संभाला है बहुत अच्छी बात है किसी ना किसी स्टूडेंट को मोर्चा संभालना पड़ता है और मैं चाहता हूं सभी लोग संभाले सभी लोग मैं जब पूछता हूं आंसर कीजिए वेट मत कीजिए किसी दूसरा कोई करेगा ठीक है क्रिएट इज द राइट वर्ड फॉर दिस क्वेश्चन दो पॉइंट आप सभी को मिल रहे हैं आगे बढ़ेंगे

हैसल करना कहते हैं ना हैसल करना पड़ेगा है सभी को अगर रिजल्ट पाना है ना सरकारी नौकरी पानी है अगर बैंकर बनना है तो आपको हैसल करना पड़ेगा है, मतलब आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगा आपको बहुत स्ट्रेस्ड आउट, आउट होना होगा आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा है ना आपको लड़ना पड़ेगा स्ट्रगल करना पड़ेगा है ना इसका बोल रहा है एंटोनी बताइए एंटोनी मतलब उल्टा बताना है आपको अपोजिट मीनिंग वही रिलैक्स कीजिए क्या टेंशन है छुट्टी लीजिए जाइए गोवा हुआ घूम के आइए है ना छुट्टी बनाइए कहते हैं रिलैक्स करना ठीक है यस आगे बढ़े अगला वर्ड हमारे पास है फेकंड का मतलब क्या होता है टेन आपको सभी के पास है आंसर कीजिए ट्राई कीजिए आप सभी लोग टाइम मैनेजमेंट करने की कोशिश यहाँ पे है हमारे पास टाइम के अंदर आंसर करने की कोशिश कीजिए एंटोनी बता रहे है सभी को देखंड का मतलब क्या होता है वेरी गुड आप सभी लोग आंसर तो कर रहे अच्छी बात है

उपजाऊ वेरी गुड वेरी नाइस तो उसको बोल सकते हैं हम लोग उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा बैरन हो जाएगा बैरन मतलब जो उपजाऊ ना होकर बंजर हो जाती है ना बंजर धरती वेरी गुड अगला हमारे पास है वेलोर वेलोर की तो, मतलब मीनिंग मत, बताइए सभी लोग और उसका ऑपोजिट बताना है आंसर में टेन सेकेंड्स आप सभी के पास है जल्दी करेंगे सभी लोग वेलोर के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे अनुपजाऊ मतलब बंजर कह सकते हैं बैरन मतलब चलिए तो वेलोर के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं सभी लोग इसका ऑपोजिट बताना है, मतलब एंटोनिम बताना देखिए सुप्रियो ने आंसर कर दिया है हाँ वेरी गुड वेरी नाइस का मतलब होता है जो हो, जो है जो जो निडर हो हो कभी ना ना डरे और उसका ऑपोजिट क्या जाएगा डर ठीक है मतलब का मतलब का जो साहसी भी होता है तो साहसी है अगर कोई तो उसका उल्टा क्या वाँगा? वाँगा? हो जाएगा फियर हो जाएगा और कोई वर्ड ऐसा यहाँ पे दिखने डाल फियर इज द राइट वर्ड है ना डर इज द राइट वर्ड फॉर दिस तो ऑपोजिट हो गया उसका फियर तो वेलोर्ड का मतलब क्या हो गया वेलोड का मतलब हो गया जो साहसी हो है ना जो कावर्ड ना हो ठीक है वीरता दैट्स करेक्ट वीरता तो हम लोग क्या कर रहे हैं सिरिमिम एंटोनिम दोनों पढ़ते जा रहे हैं तो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगा ठीक है याद ना ब्रेवरी लिखा हुआ है ब्रेवरी में क्या है सीरोम हर क्वेश्चन में उसका सिनोनिम जरूर दिया होता है चलिए डाउन कास्ट की एंटोनी बतानी है डाउन कास्ट की एंटोनी बतानी है सभी को लेकिन इसके पहले सभी लोग बताएंगे सिनोनिम क्या होता है फिर जाएंगे एंटोनी के ऊपर चलिए जल्दी सभी लोग जितने स्टूडेंट्स है डाउन कास्ट के बारे में बताइए डाउन कास्ट किसको बोलते हैं डी आर आंसर सी आर आर दो अलग अलग आंसर मुझे मिल रहे हैं। देखिए हाँ चीयरफुल वेरी गुड वेरी नाइस वेरी नाइस क्या बात है बहुत अच्छे। देखिएगा अगर बात को सुप्रियो की बात करूं आफ्रीन की बात करूं तो इन्होंने सही आंसर किया है उसके अलावा आशीष ने भी सही आंसर किया है

कहां पे लिखा है इसमें डिक्लाइन हो जाना वेरी सॉरी ये आंसर नहीं हमारा ये हमारा सिनोनिम है ठीक है और आंसर क्या पूछ रहा है ऑपोजिट पूछ रहा है मतलब ऑपोजिट मतलब राइज हो जाएगा इस राइट आंसर राइज मतलब देखिएगा वेन का मतलब होता है डिक्लाइन है ना खत्म हो जाना एंड हो जाना बट हम लोग इसका ऑपोजिट ढूंढ रहे हैं ऑपोजिट का मतलब होता है राइज ठीक है उगना उदय दैट्स करेक्ट वेरी गुड आशीष आगे बढ़ते हैं -Sibley का मतलब क्या होगा बताएंगे सभी लोग ऑस्टिन सिवली का क्या हो सकता है फिर इसको बताना एंटोनिम एक्चुअली ऑप्शन में दोनों दिया गया है। दोनों का मतलब बताइए सभी सभी लोग। लोग ट्राई कीजिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए जितने भी स्टूडेंट्स में देख रहे हैं ना ऑस्टिन सिबली का मतलब क्या होता है क्या समझते ऑस्टिन सिबली से क्या समझते हैं भैया आप सभी के लिए कहते हैं ना वेरी गुड वेरी नाइस इम इज द ऑपोजिट और कह सकते हैं एंटनिम है किसका ऑस्टिबली का इमेबली तो बताइए इसका आ, क्या होगा हमें चाहिए सिन्निम मतलब इम्प्रोबैबली का ऑपोजिट क्या होगा प्रोबेबली है ना संभवता कह सकते हैं सी एपर वेरी गुड एपरेन्टलीन सेम ऑफ ऑस्टन सिबली ओके So, पास क्या मिल 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 गया मिल गया गया आंसर आंसर ऑप्शन नंबर ठीक है वेरी नाइस इनैक्टमेंट का मतलब क्या होता है बताएंगे सभी लोग इनैक्टमेंट का मतलब क्या होता है और आपको यहाँ पे वही बताना है सिनोनिम बताना है क्या बताना सिनोनिम बताना है सभी को नहीं बताना यहाँ पे आपको सभी को यहाँ सिनोनिम बताना है. जल्दी करेंगे सभी लोग जितने स्टूडेंट्स हैं जल्दी फटाफट आंसर करने की कोशिश कीजिए किसी को से इसकी हिंदी में नहीं पता है क्या किसी को भी अपने से देखिए इनैक्टमेंट किसी भी लॉ को या किसी भी बिल को या किसी भी रूल को इनैक्ट करते हैं हम लोग है ना इनैक्टमेंट करते हैं मतलब इनैक्ट करते हैं तो एक्चुअली मैं बोलता हूं उसको statute, uh, statute करना statute करना ठीक है इसका मतलब क्या होता है उसको हम लोग क्या करते हैं फाइनली वी जस्ट टेक द पीपल टेक द सोसाइटी है ना लोगों के बीच में ले जाते हैं उसको वहां पे फॉलो करवाते हैं कानून की तरह करेक्ट वेरी गुड उसको दर्जा देते हैं कि रूल है ये कानून है इसको मानना पड़ेगा है ना क्या बोलते हैं वर्ड रूल्स को लागू करना मतलब इंप्लीमेंट करना कहते हैं बहुत लोग तो इंप्लीमेंट करना बहुत लोग क्या कहते हैं होता ही है इंप्लीमेंट करना तो इंप्लीमेंट करना भी एक वर्ड है ठीक है याद रखियेगा सभी मतलब कानून दैट्स करेक्ट आगे देख दे अब इसमें क्या करना इन करेक्टली स्पेल्ड कौन सा वर्ड है ये बताना सभी को इनकरेक्टली कॉन्सियस वर्ड जल्दी करें स्कूल जल्दी 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 जल्दी

इंट्रिकेट बल्बस सकम शकर का मतलब क्या होता है शकर का मतलब क्या होता है ट्रिम्बल होता है ट्रबल भी हो सकते हैं ट्रबल भी हो सकता था देखिए यहाँ पे वर्ड मुझे दिख रहा है ना वो इंट्रिकेट का रॉन्ग स्पेलिंग दिख रहा इंट्रिकेट की स्पेलिंग रॉन्ग है अभी आप लोग बताएंगे मुझे कि सही स्पेलिंग क्या होती है ठीक है टाइमर मैंने शुरू ही नहीं किया था चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में आते हैं अगला वर्ड आपको बताना इंटरेट स्पेल्ड कौन सा वर्ड है जल्दी बताएंगे सब लोग दिखा लेट है कमेंट शायद ओके भी ऐसा होता होगा कुछ कमेंट्स जैसे कुछ कमेंट नहीं मैं बस कमेंट्स ही लेट से आते होंगे जैसे क्या होता है मैं देखता हूं अपने वीडियोस में टाइमर जो होता है ना मेरा वो टाइमर यहाँ खत्म हो जाता है बाद यहाँ शुरू होता है तो टेन सेकेंड्स का मे भी गैप होता होगा ठीक है स्पेलिंग देखिए यहां रॉन्ग थी मेटिकुलस की स्पेलिंग होती है अगर हम बात करें मेटिकुलस है ना तो मेटिकुलसलिंग स्पेलिंग ये होना चाहिए ये वाला नहीं तो रॉन्ग क्या हो गया हमारा यही वाला पार्ट हो गया तो ये हमारा आंसर भी हो गया ठीक है आगे बढ़े अब बताइएगा यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड कौन सा वर्ड है जल्दी जल्दी वह बहुत ही सिंपल सा वर्ड है एंड आई होप कि आप सभी लोग से बन जाएगा ये सकर का मतलब होता है परेशानी में मत मांगना ये हेल्ड मांगना नहीं होता ये करना भी नहीं होता क्या बोलते हैं बस मदद कहते हैं वो मांगना हो या करना हो ऐसा कुछ स्पेसिफिकली नहीं बोल सकते कि मांगना या करना है लेकिन हेल्प कर सकते वेरी स्पेलिंग जो है वो गलत है सही वर्ड बताएंगे सभी, सभी, सभी लोग बताएंगे सही स्पेलिंग क्या होती है गुड मॉर्निंग बबीता वेलकम टू क्लास आप लेट है आज पता है बबीता मैंने तो एट थर्टी में क्लास शुरू कर दी थी है ना और सभी लोग आ गए थे टाइम पे आप ही लेट हो बस आज ठीक है आज आप लेट हो जल्दी जल्दी ले, लेट आई है तो पैंटी देना पड़ेगा स्पेलिंग बताइए आपको आंसर करना होगा इनकरेक्टली स्पेल्ड कौन सा है बताइए जल्दी जल्दी बताइएगा इन करेक्टली कौन सा स्पेल्ड वर्ड है इसके अंदर सॉरी से काम नहीं चला आपको आंसर करना पड़ेगा चलिए दो आपको वर्ड एक्स्ट्रा आंसर करने पड़ेंगे चलिए जल्दी से हाँ एट ट्वेंटी फाइव में सब लोग आ गए थे और एट थर्टी में क्लास स्टार्ट हो गई थी मैं तो एट ट्वेंटी से बैठा हुआ था लाइव करूंगा ट्वेंटी रुपीज पेटीएम ट्वेंटी रुपीज में क्या होगा जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था ना तो बच्चों को मैं काम वो करता था मतलब फाइन लगाता था ठीक है जब पढ़ाता था तो कि इंग्लिश में बात करना है हिंदी में कोई बात नहीं करेगा अगर कोई हिंदी में बोलेगा तो उसको फाइन लगेगा और जो फाइन से पैसे कलेक्ट होते थे, थे ना हम लोग पार्टी करते थे सब लोग क्लास में बच्चे हम लोग सब मतलब मैं होता था टीचर में और सारे हमारे स्टूडेंट्स होते थे सब मिलकर पार्टी करते समोसा पार्टी कर लिया जलेबी पार्टी कर लिया ऐसा पार्टी ठीक है जिलस देखिएगा यहाँ पे जिलस जो है ना जील से बना है जिलस है ना जील का मतलब होता है जोश ठीक है तो जेलस का यहाँ यहाँ पे जेलस का मतलब हो गया जोश से भरा हुआ है ना जी Z E L O U S है ना जेलस ये जिलस है जिलस का मतलब जोश से भरा हुआ ठीक है या दैट्स करेक्ट ए इज द राइट राइट आंसर चलिए आगे बढ़ते हैं वेरी गुड बबीता ने एक आंसर कर दिया है एक और आंसर आपको करना पड़ेगा इन करेक्टलेस बिल्ड बताइए सभी और सबसे पहले आंसर करेंगे बबीता फिर मुझे मिल गया आंसर एंड आई होप कि आप सभी को मिल गया हो आप सब लोग मुझे बताएंगे जक्स्ट्रा पोस्ट की मीनिंग क्या होती है मैं अलग से पूछ रहा हूं है ना जक्स्ट्रा पोस्ट की मीनिंग क्या होती है? बबीता बताइए इसका आंसर देखिए मैं बता रहा हूं जिस जिसके स्पेलिंग रॉन्ग है ना उसकी मीनिंग होती है खतरा उसकी क्या होती है खतरा होता है संकट है ना संकट खतरा बोल सकते हैं हा जंबलिंग क्या होता है जंबलिंग स्पेलिंग रॉन्ग है यहाँ पे नहीं तो सभी लोग बताइए डिस्कस स्पेलिंग रॉन्ग है ना उसका मीनिंग ही होता है खतरा जो वर्ड्स में पढ़ा रहा हूँ सब कुछ सारे वर्ड्स मैंने पढ़ा रखे हैं आप सभी को द हिंदू के एडिटोरियल में या दैट्स करेक्ट वेरी गुड फर्स्ट ए इज द राइट आंसर जियो पार्टी होता है, है ना क्या होता है जियो पार्टी जियो पार्टी मतलब होता है खतरा याद रखिएगा सभी लोग ये ख, ख कैसे होता है खतरा इसको बोल सकते हैं इन्होंने अपनी भरपाई कर दी बबीता ने

क्वेश्चंस पे पढ़ाया है उसके अलावा मैंने मूवी से रिलेट किया था इस वर्ड को इस वर्ड को मैंने एक मूवी से रिलेट किया था जिसमें एक कैरेक्टर है मतलब विलेन होता है वो कहता है मैं हूं मैं वो अनहोनी हूं जिसे टाला नहीं जा सकता बताइए सभी लोग इसकी स्पेलिंग रॉन्ग है ना इसमें ये वही वर्ड है जिसका मतलब होता है कि ऐसी अनहोनी जिसे टाला नहीं जा सकता ठीक है पोस का मतलब मिला हुआ कैसा मिला हुआ मिला हुआ, मिला हुआ क्या मिक्स मिक्सचर कह रहे हैं इनिटेबल किसको बोलते है? को। वो बोलता अब बोल के वो है वो स्नैप कर देता है ठीक है उसी का बदला लेता है एम आय मैन बोलकर ठीक है तो एम इनविटेबल मतलब इसको हिंदी में सुनेंगे आप लोग तो ऐसा होगा ऐसा आपने अगर मूवी देखते, देखते, है देखते हैं सभी लोग हॉलीवुड को मूवी देखते होंगे ना हुआ हुआ तो आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में देखते हो या फिर सिर्फ हिंदी में देखते हो अगर सिर्फ हिंदी में देखते हो तो मतलब नहीं मजा नहीं आएगा लेकिन क्या करो आप लोग इंग्लिश में भी देखो एक बार हिंदी में आप देख लो एक बार अच्छे से मजा आ जाएगा आपको अच्छे से देखना उसके बाद आप इंग्लिश में भी देखो उसी चीज को तब क्या आपकी इंप्रूव होगी इंग्लिश बहुत जबरदस्त मैं तो ऐसे ही करता हूँ मैंने इन्फिनिटी वॉर एंड गेमे से मैंने इंग्लिश में देखा ठीक है हिंदी में भी देखा तो पहले फिर इंग्लिश में भी देखा है ठीक है तो उसमें बोलता है आई एम इन एविटेबल का मतलब क्या होता है इन देखिएगा इन मतलब जिसे टाला नहीं जा सकता अन अवॉइडेबल क्या बोलेंगे उसको अनअवॉबल अन अवॉइडेबल कह सकते था। हैं दर्शक आफरीन आशीष निकिता वेरी गुड इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री अब आते हैं इसमें बताइए लोग इसमें क्या लग रहा है आप सभी को इस idiom का मतलब क्या है स्पीक ऑफ द डेविल स्पीक ऑफ अ डेविल का मतलब क्या होता है बताने सभी ऑप्शन में जल्दी आन अवॉइडल्ट आयन मैन क्या बोलता है आयन मैन को आई एम आयन मैन और हिंदी बोलता है मैं हूँ आय नीद नीद भी कह सकते नीद मतलब स्पीक ऑफ अ डेबिल इफ यू टॉक अबाउट स्पीक ऑफ अ डेबिल ऑफ द टेबिल एक आंसर होगा वेरी गुड वेरी गुड बबीता आफ्रीन नीड ओके okay, नीड बोलना चाह रही है नीड भी कह सकते नीड मतलब जरूरी किसको नीड कह सकते भाई इनेबलेबल को अच्छा 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 आज ठीक है मतलब बेसिक जो हमारे चीज अरे यार ये लोग लोग सेम है ना गेट अपना रूम का बंद कर देते

उसका नाम जो भी था मैं बताऊ नाम रेबिल नहीं करूंगा नहीं तो आप लोग फिर पकड़ ही लोगे कभी मिलोगे तो एक लड़का था जो बहुत ज्यादा हेल्दी था लंबा था हेल्दी था तो हम लोग उसका नाम रखे थे सुनामी ठीक है वो सुनामी ऐसा सुनामी आया मेरी लाइफ में कि अभी तक वो सुनामी मुझसे जुड़ा हुआ है ठीक है ट्वेल्थ तक वो मेरे साथ था स्कूल में और मेरे ही घर के बगल वाले एरिया में रहता है वो बाइक उड़ाता है मतलब बाइक उठाता है अज्जे मन तब वो आ जाता है ठीक है और हम हाँ, मुझे भी पकड़ कहीं कहीं ले ही जाएगा कभी मरीन ड्राइव कहीं का नहीं और और, तो आके यहीं बैठा रहेगा ठीक है थेके? मतलब बुरा लगता है, है थोड़ा बहुत चाटता है 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 ठीक आपको क्या करता है? साथ में हमने कॉलेज में गए कॉलेज पास फिर आगे मैंने जो जो डिग्री मैंने लिया है ना वो वो डिग्री वो भी लिया है ठीक है मतलब स्टार्टिंग उसकी प्लानिंग कुछ नहीं थी ना उसकी मास्टर्स करने की प्लानिंग थी जब मैंने मास्टर्स किया मतलब एम मैंने किया था इंग्लिश में तो वो किया था अपना उधर अपने स्ट्रीम से उसमें मास्टर्स कर लिया उसी यूनिवर्सिटी पे साथ में जाना आना ठीक है और जब मैंने बी किया तो उसे लगा कि भाई मुझे भी करना है लेकिन गैप हो गया तो क्या हुआ मेरे मैं सेकेंड ईयर में था तो वो फर्स्ट ईयर में था उसी कॉलेज से करेगा वो भी बी करेगा तो कोई उसकी प्लानिंग नहीं थी ये टीचिंग में टीचिंग कुछ करता ही नहीं है फिर तो भी करने गया ठीक है तो ये इस तरह के इस तरह का मेरा फ्रेंड है ठीक है तो बहुत ऐसा होता है कि स्पीक ऑफ अ डेविल एंड ही कम्स हियर आता है वो मेरे गेट पे खड़े हो क्या हॉर्न बनना शुरू कर गौरव गौरव गौर बोलना शुरू कर तो है तो किसी में बात करें अचानक से वो आपके सामने आ जाए तो उसी को बोलेंगे ठीक है नेक्स्ट टू कट कॉर्नर्स इसका मतलब क्या होता है टू कट कॉर्नर्स मेरा भी एक दोस्त ऐसा है जो मुझे कॉपी करता है <laughs> बोलता भाई तुम कर रहे है तो ठीक ही होगा चलो मैं भी कर लेता हूं अरे भाई बीएड करने में डेढ़ लाख रुपए लगते हैं सिर्फ फीस उसके अलावा बाकी इधर उधर समझ रहे हो एक्स्ट्रा लग, लगाने की कोशिश करेंगे ना तो दो लाख जाते हैं मेरे दो लाख लग गए तो वो भी क्या कर रहा है वो भी वैसे ही कर रहा है अरे कोई बात नहीं तुम कर रहे हैं ना तो ठीक हम भी कर लेते हैं काम कहीं ना कहीं कही आई जाएगा ठीक है <laughs> सोच के वो कर लेता है तो बोलते हैं तो कट कॉर्नर का मतलब क्या होता है किसी चीज को क्या करते हैं मतलब देखिएगा अब ये ऐसा है ये ऐसा कुछ बना हुआ टेबल है अब क्या करते हो कट कॉर्नर्स करते हो आप क्या कॉर्नर को काट देते हो ये काट दे रहे हो कॉर्नर को मतलब क्या करते हो अब बताओ अब ये क्या टेबल बच गया क्या ट्रिपल बचा कहाँ इसका शेप कैसा हो गया ऐसा कुछ शेप हो गया ऐसे ही कुछ हो गया ना नहीं कुछ ऐसा हो गया देखिए ऐसा, ऐसा 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 फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा।, ऐसा, ऐसा कुछ हो गया किसी चीज को बुरे तरीके से करना टू डू समथिंग बैडली इज कॉल्ड टू कट करेक्ट आगे बताइए टू फील अंडर द वेदर हो ये oh, बहुत आज मैं मॉर्निंग में फील कर रहा था और बहुत लोग फील करते हैं इसमें अंडर द वेदर फील करना मतलब सुनामी मतलब तो वो सुनामी है जो आया था सुनामी आता है बहुत ले को लेके चला ठीक है एवरीवन बात सुप्रियो को बी लग रहा है सब लोगों को बी लग रहा है क्या हाँ दैट्स करेक्ट टू फील अंडर द वेदर का मतलब तो कहते नहीं है। थोड़ा अपने अंदर सही सही चीजें नहीं चल रही मतलब आप अनवेल फील कर, करना होता है अपना फेस बनाते हो समझिए अब फेस बनाना मतलब फेस वैल्यू नहीं बनाना फेस बना रहे हो बस ये बताओ क्या मतलब होगा फेस मतलब जैसा आपने देखिए मार्क के चलिए मैंने आपको बोला देखिये ना क्या मतलब बस्त सा एकदम पिज्जा बनाया हमने क्या किया पिज्जा बनाया ठीक है और जब निकल के बाहर आया तो भाई उसमें ना चीज मतलब अच्छी चीज के बदले खराब चीज तो जो खराब हो चुका था वो चीज हमने उसमें डाल दिया तो क्या हो गया जब निकला पंजेंट स्मेल आ रहा है कैसे स्मेल आ रहा है पंजेंट स्मेल आ रहा है ना तो पंजेंट का मतलब क्या होता है पंजेंट मतलब होता है जो खराब बैड ऑर्डर क्या बोलते हैं इसको इसको बोलते हैं बैडर बैड बेटर मतलब खराब पदबू बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको इसको बोलते हैं पदबू पदबू ठीक है मतलब आप क्या करते हो अपना फेस बनाज लोगे हूं 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 ऐसे कर लोगे मतलब टू शो डिसलाइक आपको पसंद नहीं आ रहा है वो ठीक है दैट्स करेक्ट अच्छा टाइम पर स्टार्ट ही नहीं किया शिट मौसम की तरफ बदल जाना अच्छा आशीष तो आशिक बन रहा है क्या बात

टीचर को गिफ्ट देता था सब कुछ अरेंज करता था और वहां जाके बहुत सारे गिफ्ट लेता था <laughs> ऐसा था तो आई वॉज इंजॉयंग बोथ द आई वॉज इन्जॉइंग बोथ द वर्ल्ड ठीक है तो बोलेंगे द बेस्ट ऑफ बोथ द दर्ल्ड आई वॉज है बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड मतलब पीटर पार्क और स्पाइडरमैन क्या है पीटर एज ए स्टूडेंट कॉलेज में मैं टॉप कर रहा होता है मस्त चल रहा होता है, भाई भी बहुत, भाई भी, heaven, है ना? अच्छा तो पढ़ा ही नहीं मैंने ऑपोजिट सिचुएशन है लेकिन आप एंजॉय करते हो, है ना एंजॉय एट द सेम टाइम द फर्स्ट ऑप्शन ही मैंने नहीं पढ़ा मैंने बस यहां से पढ़ना शुरू कर दिया फर्स्ट right, right, so. no, ऑप्शन है लेकिन वो एंजॉय करता है. दोनों ही को है. दोनों ही को है मुझे तो स्पोर्ट्स में जाना था गलती से ये लाइन में आ गया ओहो सुप्री हो गलती से कैसे कोई आता है ब्लेसिंग इन डिस्ग डिस्ट मतलब छिपा हुआ है ना जो आपको नजर नहीं आ रहा है अब ब्लेसिंग मतलब ऐसा कोई बून क्या बोलते हैं इसको ब्लेसिंग को बोलते हैं बून बी डबल बून मतलब आशीर्वाद है ना और क्या बोलते हैं वरदान है ना बून और बेन है सभी को क्या होता है बेन मतलब श्राप कर्स बोलते हैं ना कर्स। कर्स बेन। और बून ब्लेसिंग ऐसे भटकते हुए अब प्यार हो गया इस लाइन से <laughs> चलिए सही है तो सही है इस प्यार हुआ तो अच्छी बात है इस लाइन से लेकिन आशिक मत बनेगा देवदास मत बनेगा इसको फाइनली इसके अंजाम तक पहुंचाइए एक गवर्नमेंट जॉब लीजिए है ना बैंकर बनिए ऑफिसर बनिए साइन की वैल्यू बनाइए और फिर आगे कंटिन्यू कीजिए है ना हाँ वही अब तो सुप्रियो रुला रहा है है ना चुप कर पगले रुलाएगा क्या तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है छिपा हुआ वरदान तो छिपा वरदान कहां दिखा सभी को गुड दैट इनिशियली सीम्ड बैड दैट्स करेक्ट कोई अच्छी चीज है जो स्टार्टिंग में लग रही थी कि बुरी है उसी को बोलते हैं क्या ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ठीक है तो यूजम मेरा ट्रांसफर हुआ था जब मैं एक इंस्टीट्यूट में था उसने मुझे ट्रांसफर कर दिया पटना पत, मैं आया दिल्ली से ट्रांसफर लेके पटना आया घर के लिए और यहाँ ब्रांच मैनेजर से बहस होने के कारण वो मेरा ट्रांसफर करवा दिया तो मैं चला गया दरभंगा मतलब पटना से भी छोटा शहर दरभंगा में लेकिन वो क्या है जैसे पटना पूरे बिहार में कैपिटल की तरह है उसी तरह से नॉर्थ बिहार में दरभंगा जो है।, मितलांचल, मितलांचल में है वो कैपिटल की तरह है मिथिलांचल मिथिलांचल में कैपिटल की तरह हुए वहां जाने से मुझे बहुत सारे फायदे हुए बहुत चीजें मैं सीख पाया ठीक है अब बताएंगे सभी लोग ऑपोजिट बताना सभी को मोनोगी का ऑपोजिट क्या होता है सत्तू बनो कबीर सिंह नहीं हाँ आरती एकदम तो सही कहा है आपने सत्तू बनिए कबीर सिंह मत बनिएगा आज सब लोग हंसते हैं नहीं है? मतलब मजा आ रहा है सभी को नहीं मोनोग्यामी का मतलब क्या होता है देखिए मोनो मतलब वन और ग्यामी मतलब बताइए क्या होता है मोनोगैमी मतलब क्या होता है गैमी मतलब मैरिज मतलब मैरिज अब देखिए मोनो मतलब एक शादी करना मोनोगैमी मतलब एक शादी करना इसका उल्टा क्या हो जाएगा बहुत सा शादी कर लेना है ना देखिए पॉली का मतलब होता है मेनी याद रखिएगा सब पॉली का मतलब होता है मेनी और गैमी मतलब शादी बहुत सारी शादियां करना ठीक है होमोगैमी नहीं जो कहां से आ गया ठीक है? राजा दशरथ अच्छा, अच्छा, है।, है अच्छा सुप्रिया ये बताओ मुझे जहां तक मुझे कुछ पता था कि रामायण में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स या फिर रामायण को ही बंगाली में मतलब बेंगोल बेंगोली जो लैंग्वेज है उसके अंदर में या फिर बंगाल के कल्चर में एक अलग तरीके से पूरे का पूरा रामायण ही है क्या ऐसा सुना है मैंने कैसा है रैशस वेरी गुड हमने अभी इसको दो दिन पहले पढ़ा है कल नहीं पढ़ा था ना परसों पढ़ा था बस तो जो भी दो, दो क्लास पहले हमने पढ़ा था इस वर्ड को हो गया आई थिंक वो बंगाली में है या फिर मुझे लग रहा है साउथ इंडिया में किसी लैंग्वेज में है एक अलग ही तरीके से दिखाते हैं उसपे रावण को राम को सीता को एक अलग तरीके से दिखाते मतलब एक अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें हाँ वही तो मुझे याद आ रहा है मुझे लग रहा है कोलकाता में नहीं है वो मतलब बंगाली में नहीं है आई थिंक साउथ इंडिया में है साउथ इंडिया में एक अलग तरह का रामायण है ठीक है और बहुत लोग इससे ना बहुत सारे लोग इससे मतलब वहां के जो नहीं राम जो क्या बोलते हैं उसको दशहरा जो होता है तो उसके अंदर जो आ, कौन सा होता है स्टेज परफॉर्मेंस नहीं होता आ, क्या बोलते हैं उसको राम कुछ बोलते हैं परफॉर्मेंस को तो जो हम हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में जो होता है ना उससे अलग होता है साउथ इंडिया में चलिए श्रीलंका में तो रावण की पूजा होती है साउथ में भी रावण की पूजा होती है पता है आप सभी को साउथ में भी कुछ ऐसे जगह हैं जहां पे रावण की पूजा होती है और मैं गया था जनकपुर जनकपुरी जनकपुरी कहाँ गया था वहां नेपाल जहां पे सीता माता का घर है सीता माता की सबसे बड़ी मंदिर है सबसे बड़ा मंदिर वहां पर जहां पर शादी हुआ था जहां पर राम जी ने सीता जी से शादी किया था वो पूरा मंडप वंडप अभी तक वो बनाकर उन्होंने रखा है मतलब वो जगह है जहां मंडप टाइप को पूरा बनाया हुआ है तो वहां पे रावण के भी मतलब रावण की भी मूर्ति है वहां पे मतलब एक जगह एक जगह पे हाँ <laughs> देखिए वरेस के से ऑपोजिट मतलब इनडिफरेंट है ना वोशस मतलब क्या होता है अलग सबसे डिफरेंट और इनडिफरेंट मतलब क्या हो गया इम्पार्शियल कहते हैं क्या, क्या बोलते हैं इम्पार्शियल यहां नहीं होता ये सब सर साउथ में कहीं कहीं जगह रावण को पूछते हैं हाँ वही तो मुझे ऐसा कुछ याद था आगे बढ़ते हैं इगोइस्ट बहुत ही बेहतरीन वर्ड है और इसके अंदर मैंने कुछ जो पढ़ाया था द तो हिंदू के एडिटोरियल में ना उसमें से आ गया है ये वर्ड स्केप्टिक आ गया है है और कंडिंग आ गया है, है। कंडिस अच्छा ऐसा है क्या कोलकाता में या फिर आ, वेस्ट बंगाल में जब द आ, जब दुर्गा पूजा या फिर दुर्गा पूजा आता है जब मैं थी वही सबसे बेस्ट माना जाता है वहां का तो हर स्ट्रीट में लोग अपने खुद से ही वो रंगोली वगैरह बनाते हैं ऐसा कुछ है क्या मैंने ऐसा देखा है मतलब उस पर देखा है यूट्यूब वगैरह पे देखा है मैंने नार्सिसिस्ट ओके नार्सिस्ट मतलब क्या होता है नार्सिसिस्ट मतलब बबीता बताइए एक बार मोडेस्ट का मतलब क्या होता है आप लोग बताइए आरती या निकिता देखिए मैं ईगोइस्ट का मीनिंग मैं बताऊंगा आप सभी को आंसर आप लोग बताएंगे है ना देखिए ईगो का मतलब होता है वन सेल्फ है ना जो खुद के बारे में सोचता है वन सेल्फ और ईस्ट का मतलब होता है कोई पर्सन क्या बोलेंगे एक ऐसा पर्सन है जो खुद के बारे में सोचता है मतलब सेल्फिश है क्या है सेल्फिश है उसको बोलेंगे ईगोइस्ट है ना क्या बोलेंगे उसको उसको हम लोग बोलेंगे ईगोइस्ट है वो। मतलब सेल्फिश है अब इसके लिए आपको चाहिए ऑपोजिट मुझे बताना है है ना क्या बताना है ऑपोजिट जो दूसरे के बारे में सोचता है उसको क्या बोलते हैं बहुत ज्यादा धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाया जाता है पांच दिन कंटिन्यू अरे वो तो भाई मुझे भी पता है यहां भी दस दिन मनाया जाता है मतलब कैसे बताऊँ मैं आपको आपको एक वीडियो भेजूंगा सुप्रियो ग्रुप में डाल दूंगा आप लोग देखने इज राइट आंसर हाँ सभी की बार सोचने वाला दैट्स करेक्ट अब देखिए इस वाले में क्या करना है आपको यहाँ पे मैच करना है ठीक है यहाँ पे क्या करना है मैच द फॉलोइंग वाला आ गया है ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं ठीक है ठेके? बैंकिंग के एग्जामिनेशन पूछे, पूछे जाते हैं आप लोग क्या करना है यहाँ पे एक वर्ड यहाँ पे दिया ए बी सी डी चार वर्ड दिए गए और चारों की मीनिंग यहां में दिया गया है 1, 2, 3, 4. अब नहीं आज एडिटोरियल नहीं होगा आज मैंने सोचा है कि आप सभी को मैं बस टेस्ट लूंगा आप सभी का आखिरी साफ पढ़ा देने से काम नहीं होता है पढ़ा देने से मुझे लगा था थोड़ा पूछ भी रहता हूं सुपड़ी ये आशीष ने मुझे अपना नोट्स दिखाया था कि लिखता है बाकी लोग तो आई थिंक मुझे दिखाया नहीं है अगर आप लिखते हो तो अच्छी बात है नहीं लिखते हो तो बहुत बुरी बात है लिखना बहुत जरूरी है डी <laughs> लेना सभी को डी बोले तो हो बोल। एक काम करते हैं ना मैं नहीं बताऊंगा आप लोग खुद से चेक करना ठीक है अब बताओ कंजेशन कंजेशन का मतलब क्या होता है आपके हिसाब से कंजेशन मतलब होता है है सिचुएशन इन आर फुल ऑफ ट्रैफिक ठीक बोल सकते वेरी गुड कॉलेज मतलब टकराने के सेंस में मतलब होता है College मतलब टकराना so, बोल सकते हैं क्या एन एक्सीडेंट इन विच टू व्हीकल्स हिट इच अदर दैट्स करेक्ट बॉटल नेक मतलब क्या होता है मतलब प्लेस प्लेस इन अ रोड वेयर द ट्रैफिक कैन नॉट पास ब्रेक अच्छा। डाउन मतलब देखिएगा और तो मुझे सही लग रहा तो डी ब्रेकडाउन का मतलब होता है बहुत ज्यादा कोई अगर आ, मतलब कहते हैं ना मशीन वगैरह खराब हो जाता है उसको बोलते हैं तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर किताब से अच्छा है खुद से नोट्स बनानेशीष अरे किताब तो आपको मिल जाता है ना मार्केट में कहता हूँ आपको अगर आप किसी को चाहिए एंटोनी बहुत तो बोलते मुझे कि सर एंटोनी सीनियम का मुझे बताइए कोई बुक है ना मैं बता भाई तुम एक काम करो तुम अड़ी ले लो अगर बुक ही चाहिए तो अढ़ी ले लो लेकिन उससे क्या होगा मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ ना आपको कि आप लोग ले भी लोगे ना बुक तब भी आप लोग पढ़ नहीं पाओगे ठीक है लेकिन क्या करो आप लोग खुद से पढ़ो खुद से नोट्स बनाओ तो एक अलग बात होगी होलो डिस्ट्रक्शन और स्लॉटर ऑन मास्क स्लॉटर मतलब काट देना स्लॉटर हाउस सुना है किसी ने स्लॉटर हाउस स्लॉटर हाउस को बोलते हैं जिस जगह पे बहुत सारे जानवरों को मारा जाता है काट दिया जाता है किसके लिए उनके स्किन के लिए या उनके बॉडी पार्ट्स के लिए या फिर उनके मीट के लिए मीट के लिए स्किन के लिए बॉडी पार्ट्स के लिए ऐसा बॉडी पार्ट्स तो जानवर का काम नहीं आता है हमारे पता है ना सभी को बॉडी पार्ट्स में शायद ही कोई बॉडी पार्ट हो होगा जानवर का काम आता है लेकिन उसका स्किन काम आता है और उसका मीट काम आता है ठीक है की बुक रखी शायद ही कहीं कभी पड़ी हो वही तो नहीं होता है डिस्ट्रक्शन और स्लॉटर ऑन अ मास स्केल बहुत बड़ी मात्रा में अगर किसी को कहीं अगर मारते हैं तो क्या बोलेंगे उसे फॉलो बोल सकते हैं क्या Opulent, cenotaph और एनश्राइन मैं नहीं बोलने वाला कुछ मैं बोलता हूं तो गड़बड़ हो जाता आंसर मुझे दिख रहा है यस बोल सकते हैं देखो बोल दिया ना <laughs> वेरी गुड सुप्री ऑलोकॉस्ट हो। बोल सकते हैं इसको ऑलोकॉस्ट मतलब क्या होता है का मतलब ही होता है एक बड़े स्तर पे बड़े नंबर में बड़ी संख्या में मारना है ना अब ये जरूरी है कि जानवर को मारना किसी को भी मारना है समझ रहे हैं क्या बोलते हैं उसको नरसंहार भी कह सकते हैं इसको क्या बोलते हैं उसको एक वर्ड बड़ा अच्छा वर्ड है इसके लिए आगे देखते हैं आउट ऑफ दिस वर्ल्ड आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एक्सपीरियंस है ना एकदम ऐसा एक्सपीरियंस हो जाना जो कहते हैं आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है सिनोनिमस टू किसका सिनोनिमस है बताइए अरे आ, उसमें क्या हुआ था कश्मीर में क्या हुआ था याद है सभी को कश्मीर फाइल्स में बताया था कि कश्मीर में क्या हुआ है जेनोसाइड हुआ है जेनोसाइड इसमें बताइए क्या होगा आंसर जलिए वाला कांड बोल सकते हैं जली वाला कांड नहीं जलिए वाला बाघ बोलिए जलिए वाला बाघ कांड बोलिए ये बोलेगा चलेगा आज भी जाओगे ना तो वहां बुलेट्स के आपको होल्स नजर आएंगे उस दीवार में सोचता हूँ कभी आप लोग में किसी को लगता है क्या ऐसा कि ऐसा होना चाहिए था कि यार काश मैं उस जमाने में जा पाता अंग्रेजों के जमाने में या फिर राजा महाराजा के जमाने में और वो लाइफ जी पाता क्या मजा आता नहीं आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एक्सपीरियंस ऐसा ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो आपने आज तक ना किया हो माइंड बोगलिंग है ना कह सकते हैं उसको माइंड बोगलिंग कह सकते हैं या वंडरफुल भी कह सकते हैं माइंड ब्लोइंग लिखा है इसके अंदर माइंड बोगलिंग एक वर्ड होता है है ना जैसे सोचिए ना एक मंदिर है ऐसे बहुत सारे मंदिर आपको मिलेंगे साउथ इंडिया में जो जो कि उनका जो फेस है ना मंदिर का वो नॉर्थ है ना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब देखकर बनाया गया आप एक अगर एक कंपस रख दो ना उस मंदिर के दरवाजे पे एं, मतलब एंटर करने के बाद इधर रख दो तो वो ना एकदम एकट आपको नजर आएगा एक, एक डिग्री भी इधर उधर नहीं नजर आएगा उसका फेस जो है। सामने जो है है सामने शिव जी का मंदिर है सामने जो दिख रहा है वो एकदम नॉर्थ में दिखेगा आपको तो एक बार ये एक कैसे उस समय के लोग लाए जबकि तो ये जो मंदिर है ना वो अभी से दो साल पुराना है ना दो साल पुराना टू टू थाउजेंड ईयर्स ओल्ड दो हजार साल पुरानी चीजें उस टाइम के लोग कैसे पता लगा पाते थे जब कंपस का तो आविष्कार भी नहीं हुआ था ठीक है हाँ वाला हत्याकांड जल्ले वाला बाघ हत्याकांड बिल्कुल टाइम मशीन चाहिए मुझे और सब है मेरे पास ओके okay. <laughs> बट बहुत वार्ड लड़ने पड़ता था उस टाइम यही तो गड़बड़ है पड़ेगा ये बड़ा दिक्कत है है लोग आई थिंक मुझे लगता राजा मैं सोचता था कभी कि यार इतने प्रॉपर्टी थी राजा के पास खजाना था तो उसका इस्तेमाल वो अपने राजा महल वगैरह में क्यों लगाता सोना वगैरह पिघला कर लगवाता था क्यों लगवाता था भाई इसीलिए पता नहीं अगला वार्ड जब हो तो जिंदा रहे या रहे पहले ही सारा चीज भोग लो है ना चीजें लग्जरी लाइफ का एंजॉय कहते हैं एंजॉय कर लो आरती लाना थे आपके ऊपर दो हजार भी आपने नहीं देखा बंद भी हो गया नहीं हम लोग हम लोग चला जाएगा टाइम मशीन चाहिए बस हम लोग चला जाएगा जैसे वॉर लगेगी वॉर होने वाला है बैठ के वहां से तो निकल जाएगा नहीं उसी वॉर को दूर से देखेंगे कहीं से कहीं दूर से देखेंगे एकदम वो लगा बाइनो कलर्स रूबी ने भी नहीं देखा ये भगवान कोविटेड का आपको चाहिए सिनोनिम डिजायर्ड वेरी गुड ऑप्शन नंबर थ्री सी बोला था निकेता ने? वेरी गुड सुप्रियो ने भी वेरी गुड शोव शोव का क्या होगा सिनोनिम बताइए जिसने देखा उसका भी कौन सा भला हो गया <laughs> एक कल मैंने मीम देखा ना जिसमें सौ के नोट बने हुए थे सौ के दो सौ के नोट थे नए वाले नए वाले सौ के दो सौ के नोट वो दो हजार के नोट को बोल रहा था कि जब जाना था तो आया ही क्यों एक सॉन्ग नहीं आया जाना था तो आया ही क्यों ऐसा क्योंकि एक सॉन्ग है ओ बेदर बे दया ऐसे कुछ, कुछ, कुछ सॉन्ग है तो गया था उसी में वो बोल रहा था सब लोग मिलके ओ बेदर्दया Yes, sir. अच्छा डेली आता है ना तो रूबी डेली आएगा अब मत लीजिएगा उनको बोलिए कि आप क्या करो आप कन्वर्ट करा के दैट्स करेक्ट शो ऑफ करना दैट्स करेक्ट अरे टाइमर तो मैंने ऑन ही नहीं किया <coughs> मोदी जी इतनी भी जल्दी क्या थी नोट बंद कराने की जरूरत थी भाई दे आपको दे आप लोग बैंकर्स बैंक आपको पता होना चाहिए कि धीरे धीरे सारे फिजिकल नोट्स गायब हो जाए है ना यही मोदी जी का मतलब गवर्नमेंट का प्लान है फिजिकल नोट्स को ये खत्म कर देंगे ठीक है हर तरह से फिजिकल नोट्स मतलब गायब तो क्या होगा भाई अपने डिजिटल करेंसी ने देखिए क्या आप लो सब लोग देखिए सब लोग नोट्स को ही है ना नोट्स को ही डिजिटलाइज किया जा रहा है है ना ये में नहीं आएंगे अब देख सकते हो एप्लीकेशन में कि मुझे इतने, सर, इतने, के इतने नोट है इतने के इतने नोट है सौ के इतने पांच सौ के इतने दो हजार के इतने ऐसे नोट्स हैं ठीक है ठेके? तो क्या होने वाला एक्चुअली में फिजिकल नोट्स को बैन करके डिजिटल नोट्स को जारी किया जाएगा है ना किसको डिजिटल नोट्स को ये बहुत पहले से इन्होंने प्लानिंग बता रखी है इन्होंने सैंपल भी दिखा रखा है ठीक है हाँ आशीष ने दिखा है ना अब देखिए डिजिटल नोट्स आएंगी करेंसी नहीं डिजिटल नोट्स आएंगी ठीक है नोट्स ही आएंगे लेकिन डिजिटल आएंगे मतलब वो सौ रुपए का नोट ही दिखेगा हम लोग को लेकिन वो फोन में नजर आएगा छू नहीं पाएंगे उसको ठीक है अब उसको आप ट्रांसफर कर सकते हो ठीक है सौ रुपए ट्रांसफर कर सकते हो एक सौ एक रुपए दो है, पांच रुपए दस रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं, सिक्के भी रहेंगे तो उसी की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग ये नोट्स को नोट फिजिकल नोट्स को बंद करने का मतलब यही है कि नोट्स मतलब पेपर की बचत करनी है है ना? नहीं नहीं अरे फोर क्राउंड क्या होता है अकाउंट है भाई वो अकाउंट है आपका फोन पे का अगर आपका फोन से मैं डिलीट कर दूंगा घड़ी बन जाओगे आप <laughs> ये होने वाला बबीता ये होने वाला है चोरी कर भी ले तो क्या फर्क पड़ता है डबल उसमें सिक्योरिटी सिस्टम होता है ना पता नहीं आपको अबे यार जिसके पास फोन नहीं होगा फोन सभी के पास है अभी के टाइम में अब सबके पास होना भी चाहिए समझिए अगर मान लीजिए मेरा फोन चोरी हो जाता है, है ना तो क्या मैं गरीब हो गया मेरे पैसे चले गए नहीं वो ओपन ही नहीं, नहीं होगा फोन पे गूगल पे वगैरह कैसे ओपन होगा लॉफ्टी का बताइए वेरी गुड बी टावरिंग बोलते हैं इसको. मतलब बताइए करेक्ट ही ऑलवेज ऑफर्स पैलेटेबल सिचुएशन बहुत ही शानदार वर्ड है पैलेटेबल आपको मैं इसका मीनिंग बताऊंगा ना समझाऊंगा तो मेरे सर ने मुझे समझाया था मजा आ जाएगा पैलेट मतलब तालू होता है ना पैलेट मतलब तालू वेरी गुड अनएक्सेप्टेबल क्या बोल रहे हो, हो। सर सिक्सटी परसेंट के पास फोन नहीं है अभी तक हाँ? मुझे तो लगता है कि मेरे यहां जो आता है ना नॉर्मल काम करने वाला सब सब्जी बेचने वाला जो भी वेंडर्स आते हैं सभी के पास फोन होता है मुझे लगता है कि मेरे पास लेट से फोन आया था उनके पास चाइनीज फोन था जिसके अंदर पांच छह स्पीकर अब मस्त तो वो लोग गाना बजा के चल रहे होते थे और मेरे पास उस समय नॉर्मल सा एक ब्लैक एंड वाइट वाला फोन था अनएक्सेप्टेबल अनएक्सेप्टेबल क्या हो रहा है अनएक्सेप्टेबल होगा ये उल्टा मांग रहा है क्या अच्छा ऑपोजिट मांग रहा है वही तो मुझे भी लगा उल्टा क्यों बता रहे हैं ये लोग

देखिये ऑफर पैलेटेबल मतलब पैलेटेबल का मतलब होता है जो आपको मना कर ही ना पाओ है ना जैसे मान लीजिए मैं बता रहा हूं मैंने ऐसा सिचुएशन झेला है जिसके अंदर हम लोग जहां एक कंपनी में काम कर रहे थे वहां से हमें ऑफर आया कहीं और कंपनी से दूसरे कंपनी से और वो उन्होंने पैलेटेबल मतलब ऑफर किया अब हम लोग उसको मना नहीं कर सकते थे क्यों उन्होंने कहा कि भाई जो भी आपकी जो भी सैलरी है ना हम उसका डबल देंगे डबल आ जाओ डबल पे एकदम जो सैलरी आपकी होगी गई डबल, ठीक है तो ऐसे हुआ था तो ही ऑलवेज ऑफर पैरिटेबल सोल्यूशन मना नहीं कर सकते लेकिन पूछ रहे मना तो करना पड़ेगा है? रूबी के पास नहीं रूबी दान कर को बोल रही है ठीक है आकाश गुड मॉर्निंग वेलकम टू क्लास बहुत जल्दी आ गए आप ठीक है रूबी एक काम ना जो आपका शॉप है ना उसमें जो दो हजार के नोट आ रहे हैं ना खूब सारे उसमें से ना आप क्या करना दस निकाल लेना ठीक है और एक फोन के नाम दस निकालना फोन की तरह हो जाएगा ना उसको किसी दुकान में जाके ऐसे फोन वाले में दे देना है ऐसे फोन ले लेना है ठीक है आप यहां रहते तो मैं अपना फोन दे देता दे <laughs> <laughs> तेरा पांच बजे क्या करिए ठीक है टू लेवल विद ऑब्वियसली बात दैट करेक्ट वेरी गुड सुप्रियो ऑनेस्ट होने की बात कहता है टू लेवल विद का मतलब क्या होता है अर्थ एंड ऐसा कोई पॉइंट आप देखो निहां से आपको नजर आएगा कि सूरज जो है ना वो ढल रहा है क्या हो रहा है ये ढल रहा है ठीक है आपको ये सूरज ढलता हुआ दिखाई देगा ऐसा होता है ना अभी क्या सूरज क्या ये ढलता हुआ दिख रहा है सभी को और ये पानी है पूरा का पूरा पानी होता है।, तो है कि आसमान और धरती दोनों यहां पे जाके मिल रहे ऐसी फीलिंग आती है ना क्या बोलते हैं उसको क्रस्ट ओराइजन रेनबो ओशन यस डेट्स करेक्ट वेरी गुड क्या बोलते हैं उसको सूरज हुआ मध्यम अच्छा लगता है सुप्रियो सच में सुप्रियो जो है ना एक्चुअली बेचारा प्यार में पड़ गया है आ कहते हैं क्रूशेड किसको बोलते हैं सुनने बताना है क्रूशेड हुआ था किसका क्रूशेड हुआ था देखिए क्रूशेड होता है ना एक जब मैं कॉलेज में था तो एक क्रिश्चियन का ग्रुप आया था जिसका नाम था सी 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 मतलब कैंपस क्रूशेड फॉर क्राइस्ट है ना उनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम था मेरे कॉलेज में आया था पटना यूनिवर्सिटी में पटना कॉलेज में तो उन्होंने कहा था उन्होंने कहा था मुझे कल्चरल प्रोग्राम करवाना है तो मैं उस समय मैं इनका लीडर बना था है ना मतलब इनका लीडर बना अपने कॉलेज में इनके हर तरह के प्रोग्राम्स करवाए थे करवाने का मतलब था उन्होंने कल्चर एक्सचेंज किया था मतलब स्टेज बना था पूरा ऑडिटोरियम था हमने अरेंजमेंट करवाया था प्रिंसिपल से सारा एप्लीकेशन लिख कर टाइम लिया था मॉक्त उसे मतलब बुकिंग करवाई थी कॉलेज में और फिर सारे स्टूडेंट्स को इन्वाइट भी किया था उन सभी को हमने पूरा कैंपस दिया था फ्री में मतलब फ्री में हमने अपनी सर्विस दी थी कि आप आराम से अपना कल्चर को एक्सचेंज कर सकते हो कल्चरल एक्सचेंज था वो एक्चुअली देवर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम साउथ साउथ कोरिया साउथ कोरिया से आए हुए थे सिंगापुर से आए हुए थे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो लोग वो लोग स्टूडेंट्स थे कॉलेज के स्टूडेंट्स थे उनके कॉलेज में ऐसा मिला था प्रोजेक्ट कि आप जाओ दूसरे कंट्रीज में वहां वहां जाके वहां कल्चर को एक्सप्लोर करो ठीक है और अपनी कल्चर को वहां पे दिखाओ कहते हैं ना हमारे पास देखिए क्या होता है हमारे यहाँ इधर नहीं सोचते लेकिन एक्चुअली में वहां क्या होता है वो लोग उनका कहना था कि हमारे हमारे गवर्नमेंट ने प्रमोट किया है हमारा कल्चर कैसे प्रमोट किया भाई तो बहुत सिंपल समझिएगा ध्यान से सुनिएगा मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ सभी को कि उनको बोला जाता है कि आप जाओ दूसरे कंट्रीज में वहां के कॉलेजेस में वहां के स्टूडेंट्स से मिलो और ये पता लगाओ कि क्या डिफरेंस है दोनों ठीक है आपके कल्चर में वहां कल्चर में वहां के स्टूडेंट्स लाइफ में और आपके स्टूडेंट लाइफ में क्या डिफरेंस है इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाकर सबमिट करना होता था कॉलेज में और अपने कल्चर को दुनिया भर में सबको फैलाने के लिए वो कल्चर एक्सचेंज का प्रोग्राम करते थे कभी इंडिया कभी बांग्लादेश कभी अमेरिका कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं जाते रहते वो लोग ठीक है मैंने देखा है कि पूरा पूरा स्टेज होता था ना स्टेज पे लोग एक्चुअली अपने कल्चर प्रोग्राम्स करते थे जैसे क्या क्या गेम्स हम लोग खेलते हैं क्या ट्रेडिशनल ड्रेस हम लोगों का किस तरह का राजा क्या चीजें कैसे कैसे वो सब तो, कैसे बना है साउथ कोरिया इसके बारे में वो सिखाते थे और हम लोग तो यहाँ से कहीं जाते ही नहीं है <laughs> सब खाओ पिज्जा <laughs> तो कैंपेन करना तो अपने कल्चर को लोग बाहर दुनिया भर में फैला रहे हैं और हम लोग का कल्चर तो ऐसे भी कहते हैं ना अभी ऑनलाइन इतना ज्यादा फैल रहा है मुझे लग रहा है एक टाइम आने वाला है पूरी दुनिया जो है ना वो हिंदू बन जाने वाली है है ना हिंदू गॉड को मानना शुरू कर आगे रेट्रोग्रेड का मतलब क्या होता है खैर लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा आई थिंक इसके बाद कोई क्वेश्चन है क्या मैं चेक कर लू एक बार आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा क्वेश्चन बच्चे होंगे अरे 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 नहीं नहीं, नहीं। बचे हुए लास्ट वर्ड है रेट्रोक्रेट रेट्रोक्रेट मतलब क्या होगा आप हिंदी सुनकर समझ ले जाते हो लिखी हुई नहीं पढ़ पाते हो सुप्रियो हि डीड्स रेट्रोक्रेट रिजल्ट है ना मतलब तो उसके जो कर्म है उसके जो काम है ना कर्म वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव रिजल्ट्स देते हैं अब देखिए रेट्रोग्रेड का मतलब होता है जो चीजें बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाए जो आगे बढ़ी ना पाए ठीक है लेकिन ये पूछा था ऑपोजिट तो ऑपोजिट में प्रोग्रेसिव होगा दैट्स करेक्ट प्रोग्रेसिव इज द राइट वर्ड है ना चलिए तो क्लास को लोग ओवर करते हैं यहीं पे और सभी को मैं ये पीडीएफ डाल रहा हूँ ग्रुप के अंदर टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग वहां पर जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और बना लीजिएगा ठीक है टेलीग्राम तेलीग्रा, टेलीग्राम तेलीग्रा, टेलीग्राम पे जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा आई थिंक ये वाला क्वेश्चन बनाना चाहता है अपने आप को बनवा ही लिया देखिए बताइए क्या होगा मडी द वॉटर्स का बताएंगे मीनिंग क्या होगा मडी द वॉटर्स दट करेक्ट वेरी गुड टू मेक द सीचुएशन कॉम्प्लीकेटेड की देना है ना ओके वन बाय सी यू